कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हीं किसी नंबर में से यदि क्वेश्चन आता है तो वहां पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आज उन्हीं कंफ्यूज को देखते हुए आज ये डेडिकेटेड कुछ आप लोगों के लिए है, सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए सभी नंबर के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला जो नंबर होगा वो होगा प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या जो है ये इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की डिफिनेशन की बात करें, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती जैसे गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी संख्याएं जो है ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट इनफिनाइट तक की ये सभी संख्याएं जो है ये क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। आती है पूर्ण संख्या, ओवल नंबर। पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्या में, शून्य को शामिल कर दें तो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। देखिए प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ये इनफिनाइट तक ये संख्या जाएगी। और इन्हीं संख्या में यदि शून्य को शामिल कर दें तो वो संख्या क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की डिफिनेशन क्या होगी कि यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दें तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। और आगे देखेंगे, आगे होगा पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर नंबर। देखिए पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या की डिफिनेशन की बात करें, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या की समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक की संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं। अर्थात लिख सकते हैं यहां पे 0 से स्टार्ट करेंगे और इधर प्लस की संख्या ये डॉट डॉट इनफिनाइट तक जाएगी, और इधर जो है 0 से ये माइनस की संख्या होगा और डॉट डॉट ये भी इनफिनाइट तक जाएगी संख्या। और कह सकते हैं माइनस की संख्या इसमें नेगेटिव इंटीजर नंबर कहलाते हैं, और प्लस की जो संख्या है ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। और जीरो जो बचा, ना तो जीरो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, नहीं जीरो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। इवेन संख्या यानी इवेन नंबर की बात करें अर्थात सम संख्या। देखिए सम संख्या क्या है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो तो वे संख्याएं सम संख्या अर्थात इवेन नंबर कहलाती है। इवेन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट ये इनफिनाइट तक ये संख्या जाती रहेगी। और विषम संख्या की बात करें, ऑड नंबर, विषम संख्या ऐसी संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। दो से पूर्णतः विभाज्य कौन कौन संख्या नहीं होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट ये इनफिनाइट तक संख्या जाती रहेगी। और भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या की डिफिनेशन की बात करें, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर कम से कम 3 हो या उससे अधिक हो, यानी किसी भी संख्या को यदि कोफैक्टर उनका तोड़ेंगे, फैक्टर अगर यदि उनका हम निकालेंगे तो कितनी निकलनी चाहिए, कम से कम 3 हो या उससे अधिक, तो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 और डॉट डॉट ये इनफिनाइट तक संख्या जाती है। और भाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनका फैक्टर 2, वे संख्याएं जिनका फैक्टर 2 वे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर।
या कह सकते हैं दूसरी डिफिनेशन की बात करें, वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से भाज नहीं हो तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट ये इनफिनाइट तक जाती रहेगी। और एक है सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर ये वे संख्या है जिनका महत्तम समावर्तक निकालने पर एक हो। महत्तम समावर्तक अर्थात HCF निकालने पर एक हो तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 7, 5 इस प्रकार की संख्या ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे। परिमेय संख्या, रीजनल नंबर। परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम पी बाय टू के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या है जिन्हें हम पी बाय टू के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या है को रीजनल नंबर कहलाएंगे। जैसे 2√5 या कहें 5, 6, 8, 9, 4/3, 0.6 या कहें 2√5 ये सभी संख्याएं जो है ये क्या कहलाएंगे? रीजनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या। और एक शर्त भी है इसमें, जहां 0 ≠ क्या होंगे? क्यू जो है ≠ 0 होनी चाहिए। अर्थात कह सकते हैं 5/1 ये परिमेय संख्या है, लेकिन 5/0 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए अगला जो एक होगा, एक अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर में देखेंगे वे संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में नहीं, वे संख्या जो पी बाय क्यू के रूप में नहीं, जैसा कि √2, √3, √5 या पाए, इस तरह की संख्या को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें हम पी बाय क्यू के रूप में डिनोट नहीं कर सकते अर्थात नहीं लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। और कुछ यही आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि संख्या से नंबर से रिलेटेड हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं या कह सकते हैं जो भी हमारे भाई हैं, सभी को प्रॉब्लम होते हैं। तो इसीलिए आज का क्लास एक डेडिकेटेड क्लास रहा कि आप लोगों को संख्या से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज इस क्लास में सॉल्व हो गया होगा। और यदि किसी कारणवश आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग वहां कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का जो भी डाउट हो उस पे आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसके बाद जो अगले क्लास होगा उसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्या का वर्गीकरण, कैसे संख्या कौन कौन से हैं, सभी संख्या के बारे में विस्तार से एक अलग क्लास होगा और उसमें आप लोगों को बता दिए जाएंगे सभी संख्या के बारे में विस्तार से। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।